हे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट साइंस पे एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। जैसे कि आपने थर्मनल देख के जान ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं। मैं हूं सुशांत कुमार, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये तापीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं समझा दूं, इसमें कोयला जल रहा है और उससे पानी गर्म हो रहा है, और जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, उससे वाष्प उत्पन्न होता है। उसी तरह इससे भी वाष्प उत्पन्न हो रहा है और एक निश्चित जगह पर उसे फोकसित किया जा रहा है, यानी एक निश्चित जगह पर भेजा जा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा वाष्प होगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वही प्रेशर टर्बाइन को घुमाता है और टर्बाइन वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अगर आपको नहीं पता है कि टर्बाइन क्या होता है, तो टर्बाइन वो है मतलब एक नॉर्मल सा डेमो है, बहुत बड़ा डेमो, और उसमें पंखी लगा हुआ है जो घूमता है और वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। यानी आप जो डेमो जानते हैं जिसके बारे में, लगभग सब लोग जानते हैं उसके बारे में, वही चीज़ है। और उसी से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और उसे ही ट्रांसफार्मर से वापस नियत कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है उसका वोल्टेज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय।